आज के मॉडर्न वर्ल्ड में गेमिंग सिर्फ एक हॉबी होने के साथ साथ कई लोगों के लिए अर्निंग का जरिया भी बन गई है। वो फीलिंग जब हम अपनी फेवरेट गेम्स खेलने के साथ साथ अपनी एंगेजिंग एंड एंथुसियास्टिक ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, वो फीलिंग बहुत एक्साइटिंग होती है। लेकिन जिन लोगों को गेमिंग एंड फुल टाइम डे जॉब साथ में मैनेज करनी होती है, उनके लिए इस रास्ते में बहुत से चैलेंजेस एंड स्ट्रगल भरे पड़े हैं। एक गेमिंग स्ट्रीमर के लाइफ पतली रस्सी पर बैलेंस करने की तरह होती है, जिसमें गेमिंग का पैशन एंड लाइफ की डेली डिमांड्स को कोएग्जिस्ट करना रहता है, वो भी पर्सनल टाइम, लाइफ एंड एनर्जी के बदले में। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्लैशिंग वुल्फ एंड बीइंग अ स्मॉल पार्ट टाइम गेमर ऑन यूट्यूब, आज इस वीडियो में मैं पार्ट टाइम गेमिंग स्ट्रीमर्स के स्ट्रगल्स के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहला स्ट्रगल एंड चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो होता है अपनी डे जॉब एंड बाकी कामों को मैनेज करना। ज्यादातर के लिए वर्क डे इज लॉन्ग एंड हेक्टिक। हम प्रोफेशनल सेटिंग्स जैसे ऑफिसेज, रिटेल एनवायरमेंट्स एंड फील्ड्स में अपना लगभग आधा दिन निकालने के बाद बस टाइम देखते हैं कि कब घर जाएंगे एंड अपना गेमिंग सेटअप शुरू करेंगे। बट ये गेमिंग की एक्साइटमेंट अक्सर दिन भर की थकान एंड स्ट्रेस के कारण फीकी पड़ने लगती है, एंड यही वो समय होता है जिसमें हमको वो एनर्जी एंड जोश समन करना रहता है। फिर घर या रूम पर आते ही रियल काम शुरू होता है। स्ट्रीम सेटअप करना सिर्फ कैमरा ऑन करने से बहुत ज्यादा है। सबको चेक करना रहता है कि सारी इक्विपमेंट्स एंड सारी एप्लीकेशंस ठीक से काम कर रही है या नहीं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि OBS ने प्रैक्टिस रन में ठीक से काम किया बट मेन स्ट्रीम के वक्त हक दिया। इविल विदिन 2K स्ट्रीम के दौरान मेरे लैपटॉप में पता नहीं कौन सा इविल आया एंड हर गेम लैग करने लगी, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन स्ट्रीम नहीं कर पाया, एंड इन सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से चैनल पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब स्ट्रीम स्टार्ट करने के बाद दिन भर की थकान एंड स्ट्रेस को भूलकर साइड में रखकर टाइम होता है गेम एंड ऑडियंस के साथ एंगेज होने का, पर अक्सर ये ट्रांजिशन काफी मुश्किल हो जाता है। ऑडियंस के साथ एंगेज करना, चैट्स का रिस्पॉन्ड करना एंड साथ ही एंटरटेनिंग गेम प्ले मेंटेन करना काफी मेंटल एनर्जी डिमांड करता है, स्पेशली एक लॉन्ग एंड स्ट्रेसफुल डे के बाद। बट हमारी ऑडियंस की एनर्जी हमें एक बूस्ट देती है एंड हमारे एफर्ट को वर्थ बनाती है। हमारी ऑडियंस जो हमारी ही तरह गेमिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनके साथ लाइव इंटरेक्शन करके हमारी एनर्जी रिवाइव हो जाती है। बट हमारे चैलेंजेस स्ट्रीम ऑफ करने के बाद भी नहीं रुकते। स्ट्रीम के बाद भी हमें बहुत से काम, जैसे स्ट्रीम के हाइलाइट्स बनाना, न्यू वीडियो की स्क्रिप्ट रेडी करना, थंबनेल्स आइडिया सोचना, फ्यूचर कंटेंट की प्लानिंग करना, सोशल मीडिया पे कम्युनिटी के साथ एंगेज करना, कमेंट्स का रिप्लाई करने के साथ साथ घर के काम, सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े बर्तन धोना एंड टाइम बचे तो एक पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करनी रहती है, और कभी कभी उस पर्सनल लाइफ में भी मनमुटाव हो जाते हैं तो वहां से भी और स्ट्रेस। तो इन सब काम के चलते रात को लेट होता है, तो लेट सोना एंड सुबह जल्दी उठकर थोड़ी एडिटिंग एंड एक्सरसाइज करके फिर से डे जॉब पर निकलना रहता है। दिस कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डे जॉब, देन गेमिंग, देन घर के काम, देन रिपीट बहुत ज्यादा मेंटल बर्नआउट कर सकता है इफ नॉट मैनेज्ड केयरफुली। सो हमें कभी कभी ऑडियंस को सॉरी गाइज नो स्ट्रीम टुडे ड्यू टू वर्क बोलकर रेस्ट लेना पड़ता है। अब ये सब जानकर कुछ लोग यही पूछेंगे कि भाई इतनी ही प्रॉब्लम है तो करता क्यों है, एंड माई आंसर इज सिंपल, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर वट यू वॉन्ट विल बिकम सेक्रीफाइस। टेक्निकल इश्यूज जैसे इलेक्ट्रिसिटी चले जाना या कभी कभी माउस कीबोर्ड काम ना करना या कभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इश्यूज होना, ये सब भी एक स्ट्रीमर के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं, एंड ये स्ट्रीमर एंड ऑडियंस दोनों के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। एंड कुछ स्ट्रीमर्स जो लेटेस्ट टेक एंड इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो कभी कभी ये सब डेड एंड बन सकता है। तो इन सबको ठीक रखने एंड जरूरत पड़ने पर फिक्स करने के लिए हम स्ट्रीमर्स को टेक्नीशियंस भी बनना पड़ता है। बट इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स का डर ऑलरेडी स्ट्रेसफुल दिमाग पर एक और स्ट्रेस की लेयर डाल देता है। इतने सब के बावजूद भी गेमिंग के लिए पैशन एंड ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन हम गेमर्स को मोटिवेटेड रखता है। साथ ही फैमिली एंड लव्ड वंस जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनका प्यार भी हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। हमारे लिए गेम प्ले एक्सपीरियंस शेयर करने का जॉय, लाइव इंटरेक्शन का थ्रिल एंड डेडिकेटेड कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें होती हैं। बहुत से स्ट्रीमर्स के लिए गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि लाइक माइंडेड लोगों की एक कम्युनिटी बिल्ड करने का जरिया भी होती है। ऑडियंस को एंटरटेन करने एंड उनके साथ एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करके जो फीलिंग आती है ना, चाहे कितनी भी थोड़ी देर के लिए हो, वो फीलिंग बहुत ज्यादा फुलफिलिंग होती है। एट द एंड बीइंग अ पार्ट टाइम गेमिंग स्ट्रीमर इज ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड पैशन। भले ही ये जर्नी चैलेंजेस एंड सैक्रिफाइसेस से भरी है, बट कम्युनिटी से मिलने वाला प्यार एंड सपोर्ट इस जर्नी को वर्थ बनाता है। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग द स्ट्रीमर्स लाइक अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।